तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू व्लॉग चैनल। आज हम जा रहे हैं ट्रिप पे। तीन हम पे दो, एक हम पे बाइक है, दो स्कूटरी है। बर्थडे पे जा रहे हैं ये सब लड़के हैं। अब तुम्हें हम दिखाते हैं कहाँ कहाँ को जाएंगे, क्योंकि अब जाना है जंगल्स के रास्ते से, क्योंकि अगर रोड के रास्ते जाएंगे तो चेकिंग भी हो सकती है, इसीलिए मिलते हैं। इतने ले जाओ ब्रेक तो चलो गाइस, अब हमने चलने शुरू कर दिया है। चलो हाँ, बाकी इधर को जा रहे हो? अरे इधर को यार, अरे मैं तो क्या है? चलो भाई किधर को यार, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, इधर से इधर को घुमाओ फिर रहे हैं, पता नहीं ट्रिप पे जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। चलो हमारी स्कूटर के हो गए थे ब्रेक खराब, इसलिए हम पहले कर रहे हैं अपने ब्रेक ठीक और फिर चलेंगे हम इधर को अपने। हम तैयार बिल्कुल जाने के लिए, क्योंकि हमने ब्रेक खराब थे, हमारे ब्रेक भी सही करवा लिए। तो गाइज अभी हमने तुम्हें बताया नहीं है कि हम जा कहाँ रहे हैं, और यहाँ देख लो तुम पानी कितना भर रहा है, पता नहीं स्कूटर के हमारे टायर डूब गए हैं डूबे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ हम जा रहे हैं गाजियाबाद। अब हमारे हम डलवाएंगे शुरू में पेट्रोल, हम नहीं डलवाएंगे क्योंकि हमारी उसमें है फुल। ये गरीब आदमी है, क्या करे, डलवाओ भाई। अब चल रहे हैं हम पेट्रोल डलवा के, अब कहीं नहीं रुकना होगा, बस अब तुम्हें दिखाएंगे रास्ता और बीच की गलियां और शहर और सब कुछ, जितने भी चीज दिखाई जाएगी। अब हम रुक गए हैं क्योंकि हमारे जो साथी थे वे पीछे आ रहे हैं बहुत। भाई आ चुके हैं ये भी, हम भी स्टार्ट हो चुके हैं। चलो भाई, ये सीन तो होता ही रहता है क्योंकि रास्ता भूल जाते हैं काफी बार, इसलिए हम रुक गए थे। चेंज हो चुके हैं हमारे स्कूटरी के, क्योंकि जो स्कूटर चला रहा था अब चला गया है वो बाइक पे। अब चलते हैं हम, ऐसे तो हम रुकते ही रहते हैं क्योंकि ऐसी थोड़ी छोटी बकचोदी होती रहती है हमारे उसमें ट्रिप में। अब चलते हैं फिर, यहाँ मिल गया है हमें जाम, इसलिए हम चल रहे हैं बिल्कुल आराम आराम से। अबे भैया आराम से निकल ले, कहाँ निकलेगा। लगता है ऐसा कि आज यूपी बोर्ड की वो है एग्जाम है, दिख रहा है यूपी बोर्ड का, इसलिए थोड़ी भीड़ भी चल रही है क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी दिख रहे हैं। अरे यहाँ चुराया है बहुत तगड़ा, इसलिए यहाँ थोड़ा जाम लग रहा है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन हमारे पास तो बाइक स्कूटर है, हम निकाल ही लेंगे जहाँ तक, देख लो। ओ तेरी कहाँ निकाल रहा है भाई साहब, पिचरक। क्योंकि ये ट्रक ऐसे होते हैं, इनसे डाल पाओ चढ़ जाता तो ये पीछे को बैक मार देते हैं आराम से भाई, आराम से ये इधर को ना पलट जाओ, पीछे ही रख। ना, ये पहले कार निकलेगी, रुक जा। ये रहे हमारे दोनों बाइक है।
तेरी जाम में तो फंसी गए थे। ये ट्रक वाले ने जाम ज्यादा लगवा रहा, फुल भर रहा वजन से, रेता ही रेता है इसमें, रेत भरा हुआ है ऊपर, इसीलिए इसे थोड़ा वो हराम मराने चल रहा है इसलिए, और इसी की वजह से पूरे इसमें जाम लग रहा है। ओ तेरी, अब आ गए हैं बिल्कुल नहर के रास्ते पे, और तुम ये देख सकते हो नहर, ये तुम्हें मिलेगी गाजियाबाद वाले रास्ते पे अगर तुम शॉर्ट कट से जाओगे, और हम जा रहे हैं इसी वजह से शॉर्ट कट भी है। ये हमारे वैनम भाई भी मुझे लगता है लेडीज ही है, खामा खा इंडिकेटर चला रखा है। अबे राम सोए, पास में को मत करो यार। अब रुक गए हैं क्योंकि रास्ता भटक गए हैं, मैं कह रहा था ना कि हम रास्ता जरूर भटकते हैं, तो इसलिए अब पहले पता कर रहे हैं हम कि किधर जाना है, इसलिए अभी चलेंगे थोड़ी देर में, और हम नहर को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए नहर हमारी जड़ में चली रही है और सूरज भी डूबने वाला है। मुझे लगता है हमें जाना है इधर को, इस पुल के नीचे को निकल कर आराम से बिल्कुल, और नहर देख लो और पुल देख लो, और सामने है सूरज और इधर है नहर। भाई यहाँ फिसल जाएगी गाड़ी, हल्का ही टायर, टायर छोटे रहते हैं इसलिए ये एक्टिवा फिसल जाती है, मेरी फटती हुई बहुत ऐसे बैठने पर। एवरीथिंग इज फाइन, रास्ता वो जंगल का है, पता नहीं ठंड भी लगनी शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन मजा बहुत आ रहा है, ज्यादा मौसम हो रहा है। अब हम नहर से इधर आ गए हैं जंगल साइड, समझ गया हम वहां निकले, हम आगे निकले हैं मेन रोड पे, थोड़ी सी पीछे रोक ले भाई, और पुल देख सकते हो ऊपर को, ये मुझे लगता है मेट्रो का पुल है, क्योंकि हम यहाँ पहुंच गए जहाँ मेट्रो चलने वाली है, अभी यहाँ मेट्रो चली नहीं है, पुल बन गया है, लेकिन मेट्रो का क्या हुआ, ऐसे घूम के आना है, तो यहाँ को कुदा लो, स्कूटरी ना कूद जाएगी, अरे कूद जाएगी यार, 10 किलोमीटर दूर दिल्ली होगा, रास्ता भटक गए हैं, पता नहीं कहाँ पहुंच चुके हैं भाई, दिल्ली 10 मिनट में और पहुंच जाएंगे हम, और उधर से जाते ना तब तक तो दिल्ली पहुंच चुके होते। तो गाइस अब हो रहे हैं अपने घर रिटर्न, मतलब रूम पे मेरठ, अब तुम देख सकते हो ये आ रहे हैं पीछे, अंधेरा हो रहा है और रात के बज रहे हैं पूरे 1, और ठंड भी काफी लग रही है, लेकिन हम आ रहे हैं अपने 4 लाइन पे, क्योंकि जिस रास्ते पे गए थे वहां डर बहुत था। ये गाजियाबाद टू डायरेक्ट मेरठ, इसलिए हमने यही रास्ता पकड़ा है क्योंकि हम डायरेक्ट ही जाएंगे, और हमारे जो साथी यहाँ पीछे आ रहे हैं ये रहे, लेकिन अंधेरा बहुत हो चुका और टाइम भी बहुत हो चुका, पता नहीं अब हमारा हॉस्टल भी खुलेगा नहीं खुलेगा, हमें कहीं और ही बितानी पड़ेगी पूरी रात, हम देखते हैं चलो ये गेट खुलता है नहीं खुलता है। अब हम एवेंजर पे आ गए हैं गाइस, तो गाजियाबाद की खूबसूरती देख सकते हो, बिल्डिंग होगी एक से एक है, सच बता रहा देख लो, तेरी गाइस वैसे काफी डेवलप हो चुका है ऐसा लग रहा है गाजियाबाद, जैसे मैं दिल्ली में आ गया हूँ या किसी और शहर में हूँ, ये देखना वो तेरी, ये देख लो तुम बिल्डिंगों के ऊपर भी लाइटें जल रही है, लग रहा है ना लोग कहते हैं हम दिल्ली में घूम रहे हो, जल्दी बताओ
ये यहाँ पर रही है नुमाइश। अब जी तो कर रहा है इसमें जाए, लेकिन क्या करे, जा नहीं सकते। अब ऐसे नुमाइश नहीं है, यहाँ शादी हो रही है। गलत कह गया, सॉरी। वो बड़ी शादी हो रही है भाई। ये गिर एक, वो तेरी, यो देखो क्या है, द कॉन्टिनेंटल रेड, क्या था यो, पता नहीं, पढ़ा नहीं गया मेरे से। ठीक, कोई बात नहीं, नहीं कभी भी आना गाजियाबाद, तुम देख सकते हो यहाँ की बिल्डिंग है। ये तुम्हें बस में बैठे बैठे दिख जाएगा सब कुछ, लेकिन रात को ही दिखेगा बढ़िया, तो दिन में मजा नहीं आएगा। अब हम जब तक रात को आ रहे हैं कि भाई रात का व्यू देखेंगे और तुम्हें दिखाएंगे। ओ तेरी, क्या आ रहा है, क्या नाम है, KW दिल्ली 6, पता नहीं मुझे कुछ क्या है, लेकिन जो भी है बड़ा ही खतरनाक है। फ्रीडम स्विमिंग, और मेरी फट भी रही है क्योंकि कोई मेरा मोबाइल छीन कर ले जाए, मैंने बाहर को निकाल रखा है ना, कभी कोई कार से आए मोबाइल छीन के ले जाए। तो गाइस हम पहुंच तो चुके हैं, अब रुक रहे हैं हम चाय पीने के लिए, लेकिन पहुंच चुके हैं सभी। आ गए भाई, आ गए, अब तो कुछ आते ही अच्छी फैंचोद। गाइस हालत देख सकते हो बाइक पे कैसी हो गई, लेकिन एक नंबर मजा आ रहा था जब बाइक भाग रही थी फुल। हेलो बहन के लौड़े, देख सकते हो हालत सब लौंडों की। अब आराम से रुक के चाय पियेंगे, उसके बाद निकलेंगे अपने अपने घर, क्योंकि हम मेरठ पहुंच चुके हैं। सो भारती के सामने पहुंचने में 5 मिनट और लगेगी। हम तो खाली चाय पीने आए थे, लेकिन अब यहाँ कोई मिल नहीं रहा। ये क्या कर रहा है, ये शर्म आ रहे हैं कि हम कहाँ पहुंच चुके हैं। इन्हें शर्म लग रही है कि इतनी बड़ी जगह ने पहली बार देखी है जिंदगी में। पहले कितनी बार आएगा जी, अरे बस बहुत सड़ी के तेरे खा दिया खाना, इसने बंदे ने यहाँ खाना भी खा रखा है, पता नहीं बहुत सड़ी करने क्या दिया भी गया था क्या, इतना महंगा है यहाँ खाना, पिए तो गा भाई साहब, लेकिन लेंगे हम फिर भी। और टाइम इतना हो चुका है बेहिसाब, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ टाइम कितना हो गया और हम किस टाइम पे जा रहे हैं। तुम देखो टाइम कितना है मेरे मोबाइल में, बिल्कुल टाइम देख सकते हो तुम, 1:42, मतलब 2 बजने में कुल 18 मिनट बाकी है। और हम अभी बाहर घूम रहे हैं क्योंकि हमारा पीजी तो बंद हो गया, हम अब सोच रहे हैं अपने रूम पे जाके सोएंगे, क्योंकि यहाँ नहीं टिका जा रहा, क्योंकि अभी टाइम पूरे 3 घंटे है हमारे पास, किस तरह काटे हम, सोच तो रहे हैं कहीं आग जली मिल जाए तो वहाँ मजे ले। अब फिर तैयार हो लिए हैं, अब तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।